हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बारिश का मौसम है, इस समय ताज़े ताज़े भुट्टे मिल रहे हैं, तो इस रिमझिम बारिश में चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म और चटपटा बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कॉर्न पकौड़ा बनाने के लिए हमने 2 बाउल कॉर्न लिया है। एक बाउल हम पकौड़े में खड़ा कॉर्न डालेंगे, एक बाउल कॉर्न हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। हमने एक मिर्चा और लहसुन लिया है, इसको भी इसमें डालेंगे। कुछ कड़ी पत्ता हम इसमें डालेंगे। हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे क्योंकि कॉर्न पीसने के बाद अधिक गीला हो जाएगा। इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे, एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। देखिए, हमने कॉर्न को कोर्सली ग्राइंड कर लिया, एकदम पेस्ट नहीं बनाया है। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। हम इसमें खड़े कॉर्न को भी मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे। कटे हुए अदरक का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए हमने ग्राइंड नहीं किया था। कटी हुई हरी मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन कटा हुआ। हमने एक आलू उबाल के मैश कर लिया है, इसको भी डालेंगे। धनिया की पत्ती। कॉर्न पकौड़े को बाइंड करने के लिए हमने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। 1 कटी हुई प्याज डालेंगे। अभी से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्वीट कॉर्न अधिक मीठा होता है, इसलिए इसमें पानी अधिक होता है। हमने केवल 2 चम्मच पानी पीसने में डाला था। इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम 1/2 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हमने नमक पहले इसलिए नहीं डाला कि बैटर बहुत गीला हो जाता। हमने सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लिया। हमने बाद में इसमें नमक डाला है, इसलिए देखिए अधिक गीला नहीं है। अब हम पकोड़े को फ्राई करते हैं। पकोड़े को हम पलटते हैं। हमने गैस के फ्लेम को हाई रखा है। कॉर्न का पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम खड़ा कॉर्न डालते हैं, तो उसी हिसाब से हमको बेसन या चावल का आटा आप कुछ भी डालिए कि पकौड़ा अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, नहीं तो इसमें कॉर्न तेल में निकल के बाहर आ जाते हैं। हमने इसमें चावल का आटा डाला है, आप इसमें बेसन भी डाल सकती हैं, क्योंकि मक्का पीसने के बाद और थोड़े खड़े मक्के डालने के बाद इसको बाइंडिंग के लिए बेसन या चावल का आटा कुछ भी आप डालिए, तभी पकौड़े बनेंगे। देखिए, पकोड़े अब अच्छी तरह हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। पकोड़े कितने अच्छे बने हैं कॉर्न के, देखिए। हमने इसे हाई फ्लेम पर ही बनाया है। देखिए, हमने सभी पकोड़ों को तल लिया। देखिए पकोड़ा कितना क्रिस्पी बना है, इसे हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, आप लोग भी इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि हमारे द्वारा बनाया गया कॉर्न पकौड़ा आप लोगों को कैसा लगा।